नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड निगम अफसर के बेटे पर उसके ही घर में ही एक बाइक पर आए तीन बदमाशों ने पहले तो मारपीट की, उसके बाद चाकू से हमला करके फरार हो गए। आरोप है कि वह भागते समय महिला की चेन भी लूट कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल ये पूरी घटना चंदन नगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी की है, जहाँ रहने वाले रिटायर्ड निगम अधिकारी का बेटा सोमवार को अपने घर के गेट पर खड़ा था। तभी एक बाइक पर तीन लड़के आए। उन्होंने गाड़ी खड़ी करने के बाद जेद से बात करते हुए कहा कि तू हमारी माँ और बहन को क्यों देखता है, और मारपीट शुरू कर दी। जैद घर के अंदर गया तो तीनों बदमाश अंदर घुस गए और चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया, जिससे जैद के पैर में गहरा घाव हो गया। जैद के शोर मचाने की आवाज सुनकर परिवार के लोग बाहर आए, तब जाकर बदमाश फरार हो गए थे। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस हमला करने वालों की तलाश कर रही है। चंदन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपस में झगड़े को लेकर के जांग में चाकूबाजी घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। फरियादी ने आकर के बताया कि कुछ अज्ञात युवक आकर के उनको कि तू हमारी माता और बहनों को यहाँ छेड़ता है और ऐसा तू मत किया कर। फरियादी के कहने पर कि यह मेरा घर है, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, इसके ऊपर से उनकी बहसबाजी हुई और बहसबाजी करने पर उनकी झूमा झटकी होकर के वो चाकूबाजी घटना सामने आई है। इसमें भी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो भी वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर उनको आइडेंटिफाई करके जल्दी राउंड अप किया जाएगा। इसमें बीएनएस की रेलेवेंट धाराओं के अंतर्गत कायमी की गई है और जो शार्प वेपन्स वाली जो धाराएं होती है उसमें कायमी की गई है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया वो मैंने आपको अवगत कराया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।